See, today we have already done how to go about the anions in the analysis. Okay? Now we'll see how we will know about the cation. For example, you got a lead nitrate or ammonium carbonate salt in the lab and you're not aware about ki ammonium carbonate hai, na? तो आपने तो सबसे पहले आपने कार्बोनेट निकाला, मैंने आपको सॉल्ट दे दिया अमोनियम कार्बोनेट, ठीक। तो आपने अमोनियम भी निकाल के बताना है, या मैंने आपको दे दिया लेड कार्बोनेट, या मैंने इवन नंबर को दे दिया लेड कार्बोनेट एंड ऑड नंबर को दे दिया अमोनियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट एंड ऑड नंबर को दे दिया हमने अमोनियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट आपको पता चला कैसे, जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाली तो एब्सेंस हुई, तो आपने उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगा दिया, ठीक है। इन द सेम वे नाइट्रेट आपको कैसे पता चला, जब आपने डाइल्यूट डाला था तो आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वी हैव अमोनियम कार्बोनेट, ओके, एंड लेड नाइट्रेट, ये दो सॉल्ट हैं आपको मिले लैब, ओके। हमने कार्बोनेट लगाया, डाइल्यूट का रेडिकल है, हमने नाइट्रेट का पता कर लिया, कॉन्सेंट्रेटेड किया है, फिर रिंग टेस्ट लगाए, फिर और भी टेस्ट लगाए, तो हमने नाइट्रेट कंफर्म कर दिया। अब हमने सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट पता करना है, दैट इज अमोनियम एंड लेड, सही है बोल, ठीक है। नाउ वी हैव, let me show you the procedure, wait, chalo pehle ab hum kya karte hain bete, humne anions ko group mein banta tha, anions ko humne kaise banta tha, first is dilute sulfuric acid, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इससे आपने एनायंस निकाल लिए थे इन थ्री ग्रुप में से, और फिर हमने कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया था, ठीक है। तो सॉल्ट का एक पार्ट आपका निकल गया, अब सॉल्ट के सेकंड पार्ट पे आओ। सॉल्ट पे सेकंड पार्ट पे आपको कैटायन है, कैटायन में सबसे पहले आता है बेटे जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप में सिर्फ एक ही कैटायन है जो कि अमोनियम है, ठीक है, जो कि अमोनियम है, नॉट कमिंग एट राइट टाइम, ठीक है। अब अमोनियम के लिए कोई ग्रुप का रिएजेंट नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्ट मिला, आपने सबसे पहले ये देखना है कि अमोनिया तो नहीं है, अमोनिया जैसे अमोनियम क्लोराइड तो नहीं है, अमोनियम कार्बोनेट तो नहीं है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, सॉल्ट लोगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालोगे, उसको उसमें NaOH डाल दोगे और उसको हीट कर दोगे, ठीक है। तो आपको अमोनिया की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि हम इंडिपेंडेंट रेडिकल के लिए एक सेल्फ टेस्ट करते हैं, वैसे इसके लिए भी एक सेल्फ टेस्ट करते हैं, जो इसका कंफर्मेटरी कम जीरो ग्रुप एनालिसिस है, ठीक है। तो ये स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक। अगर इसके पास, क्योंकि अमोनिया बाहर आ रही है, क्योंकि अमोनिया बाहर आ रही है, तो इसके पास अगर आप HCl में डिप करी हुई रोड लेके आओगे, तो इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, जिसके वाइट फ्यूम्स भी नजर आ जाएंगे, तो हमें ये प्रेजेंस ऑफ अमोनिया क्लियर हो जाएगी। या नेस्लर रिएजेंट टेस्ट करते हो आप, जो गैस इवॉल्व है, जो ये गैस इवॉल्व होगी उसको नेस्लर रिएजेंट से पास करोगे तो आपको ब्राउन पीपीटी आ जाएगी, सिंपल भी पार्स करते हैं तो ब्राउन पीपीटी आ जाते हैं। ये एक जीरो ग्रुप को बिलोंग करता है जो कि हमारा अमोनियम है, फिर बाकियों को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में बनाया हुआ है, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लास प्लस वन में आपके फर्स्ट थ्री ग्रुप हैं, जीरो को मिला के उसके बाद थ्री ग्रुप हैं, ठीक है, जीरो ग्रुप का अलग से कर दो। अब हमने क्या लेना है ग्रुप वन के लिए, हमने ये मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब ली,
इनने ओएस बनाया। ओएस क्या होता है? ओरिजिनल सॉल्यूशन, मतलब वाटर में बस डिसॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, पानी डाल दिया इसमें और इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें से अगर हम डाइल्यूट HCl पास करेंगे, डाल देंगे, तो आपको व्हाइट पीपीटी आएंगी, यू विल गेट व्हाइट पीपीटी। वो व्हाइट पीपीटी लेड क्लोराइड की होंगे, तो आपको लेड मे बी प्रेजेंट। ठीक है बेटे, वो पीपीटी किसके होंगे? अगर मैंने इस केस में ओएस बनाया हुआ है, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया, उसमें वाटर डाला हुआ है, अगर उसमें HCl हम डाल देंगे तो व्हाइट पीपीटी प्रेजेंट होंगे। व्हाइट पीपीटी किसके बनते हैं? लेड क्लोराइड के बनते हैं, और आप लिखते हो लेड मे बी प्रेजेंट। फिर वैसे ही लेड के क्या करते हैं हम? कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो व्हाइट पीपीटी नहीं है, जस्ट इमेजिन आपने ओएस में HCl डाला, तो ये होता है बेटे ग्रुप वन। ये किसको बिलोंग करता है? लेड ग्रुप वन। ठीक है, अब आपके व्हाइट पीपीटी नहीं आए, तो आपने इसी में ही, इसको फेंकना नहीं है, इसी में ही H2S पास करवा देनी है। अब H2S लैब में किप्स अपरेटस में बनती है, वो मैं आपको लैब में दिखाऊंगी। उसमें आयरन सल्फाइड में वो सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हम आपको H2S डालते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें H2S डाले, अब हमें अगर ब्लैक पीपीटी आ गए, कौन से पीपीटी आ गए? ब्लैक। अभी आ गया ग्रुप टू। ग्रुप टू में, ग्रुप टू में आता है बेटे कॉपर, आर्सेनिक और लेड अगेन। तो लेड तो ग्रुप वन में आ ही जाता है, इसलिए लेड से तो हम देखेंगे नहीं, आर्सेनिक पॉइजनस है इसलिए हमें देना नहीं है, रह गया कॉपर। अब कॉपर कैसे बैठेगा? कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में बैठेगा। ठीक है, कॉपर किस फॉर्म में बैठेगा? कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में बैठेगा। अब इसके कौन से पीपीटी होंगे? इसके ब्लैक पीपीटी होंगे। अब ये जो ब्लैक पीपीटी अगर हैं, तो आप लिखोगे कॉपर मे बी प्रेजेंट, और अगर हम आपको आर्सेनिक दे देंगे तो येलो पीपीटी बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अगर कॉपर और लेड मिलेगा पेपर में, अगर मिलेगा तो आपको कॉपर मिलेगा, लेड आपका फर्स्ट ग्रुप में ही आ जाता है। ठीक है, कॉपर मिलेगा तो इसके ब्लैक पीपीटी आएंगे। अगर आर्सेनिक मिल जाए, अगर आर्सेनिक मिल जाए तो आपको येलो पीपीटी आएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग आपके ब्लैक पीपीटी आए तो कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा लोगे, अगर येलो पीपीटी आए तो आप इसका टेस्ट लगा लेते हो आर्सेनिक का। ठीक है, अगर हमारे फिर से कोई पीपीटी नहीं आए, अगर हमारे फिर से कोई पीपीटी नहीं, अब क्या करें? अब हम इसमें अगर इसी को ही लेना है, हमने फिर से गिराना नहीं है, हमने ये नहीं करना कि जैसे हम एनायन के एनालिसिस में गिरा देते थे, केटायन की एनालिसिस में आप गिराते नहीं हो, यू विल नॉट थ्रो इट अवे। ठीक है, आपने क्या करना है, उसी सॉल्यूशन में आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालना है। ठीक है, हमने क्या डालना है? कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी, नाइट्रिक एसिड डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है। नाइट्रिक एसिड क्यों डालना है? क्योंकि हमने ये जो H2S डाली है उसको बॉयल ऑफ करना है, बाहर निकालना है। अब नाइट्रिक एसिड डालोगे जो है अपनी टेस्ट ट्यूब को बॉयल करोगे, तो ये H2S एक्सपेल आउट हो जाएगी। उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड, फिर उसके बाद और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, जो कि इस ग्रुप का रिएजेंट है। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, जो इस ग्रुप का रिएजेंट है। वो ग्रुप वन का रिएजेंट क्या? HCl। ग्रुप टू का रिएजेंट क्या? HCl प्लस H2S। ग्रुप थ्री का रिएजेंट क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहां पे आपको सॉल्यूशन बना होता है। अगर आपके पीपीटी आ गए, अब पीपीटी कैसे आएंगे? आई एम राइटिंग हियर नाउ। आपके पीपीटी एल्युमिनियम के या आयरन के आएंगे, एल्युमिनियम के आएंगे, बड़ी अच्छी जिलेटिनस वाइट पीपीटी आते हैं।
और आयरन के जो आते हैं वो रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। और ये किसके पीपीटी होते हैं, जैसे कि ये क्लोराइड के पीपीटी होते हैं, ये सल्फाइड के हैं और ये हाइड्रोक्साइड के हैं, मतलब आयरन एज आयरन हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ रही है, या एल्यूमिनियम एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ रही है। तो यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ पीपीटी। जैसे अगर मुझे जिलेटिनस वाइट पीपीटी आए तो हम एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी लगाएंगे, अगर हम आयरन के आए हैं तो हम आयरन का कंफर्मेटरी लगाएंगे, डिपेंडिंग हमें पीपीटी कैसे आते हैं, ठीक है, ओके। और इनके बेटे प्रीलिमिनरी टेस्ट भी होते हैं जो हमने लिखने होते हैं। अब आपको सारी स्कीम पूरी लिखनी होगी कि हमने जब आपने इंडिपेंडेंट कैटायन लिखने के बाद, जब आपको मान लो मैं एक सॉल्ट बताऊंगी, यू हैव टू राइट अबाउट अमोनियम कार्बोनेट। अब आपका होमवर्क क्या है, यू विल राइट अबाउट अमोनियम कार्बोनेट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कि हमने ड्राई हीटिंग करी तो वहां पे गैस आई जो लाइम वाटर को मिल्की करती थी, हमें अमोनिकल लाइक स्मेल आई, तो मे बी अमोनिया मे बी प्रेजेंट। आप स्टार्ट करोगे वहां से लिखना, फिर आप कार्बोनेट के टेस्ट लिखोगे। आपकी जो भी बुक है आपके पास, जो भी फाइल है, जस्ट सीन दैट फाइल, आपको एक स्पेसिमन रिकॉर्ड दिया जाता है कि प्रैक्टिकल फाइल लिखनी कैसे, तो आई विल शेयर दैट रिकॉर्ड। उससे आपने बिल्कुल सही वैसे ही लिखना है कि पहले हमने अमोनियम, पहले हमने कार्बोनेट डिटेक्ट किया, उसके बाद हमने अमोनियम डिटेक्ट किया, ठीक है। अब लेट अस सी हाउ द एक्सपेरिमेंट्स गो, ओके। तो एक मैं कार्बोनेट का भी दिखाती हूँ, एक मैं आपको अमोनियम का भी दिखाती हूँ, तो आपको सॉल्ट के बारे में लिखना है, ओके। सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। तो सी ये अमोनियम का है बेटे, दिस सी, test for ammonium ion. The ammonium ion is a positively charged polyatomic ion with the formula NH4 positive. It is formed by the protonation of ammonia. It has a tetrahedral structure. The ammonium ion is found in a variety of salts such as ammonium carbonate, ammonium chloride, and ammonium nitrate. Our aim here is to test for the presence of ammonium ion in a given salt. Let's look at the preliminary tests of ammonium ion. Smell test. Materials required: original salt, distilled water, so and glass Procedure. Take a small quantity of salt. They are telling you about the preliminary test. You have to write that. Okay. Salt in a water glass. To this, add a small quantity of distilled water. Now take the glass rod and rub the salt with it and smell it. Ammoniacal smell indicates the presence of ammonium ion. Dry heating test. Materials required: original salt, dilute hydrochloric acid, glass rod, test tube holder, and Bunsen burner. Procedure. Take a small amount of salt in a test tube. Heat the test tube over the Bunsen burner. On heating, ammonium salt undergoes decomposition to evolve ammonia gas. Now, dip the glass rod in dilute hydrochloric acid and bring it over the mouth of the test tube. Ammonia gas reacts with vapors of hydrochloric acid to form white fumes of ammonium chloride. Next, we look at the analysis of ammonium ion. Materials required: original salt, concentrated sodium hydroxide, dilute hydrochloric acid, test tube holder, glass rod, spatula, droppers, and Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of salt in a test tube using a spatula. To this, add a small amount of concentrated sodium hydroxide solution using a dropper. Heat the test tube over the Bunsen burner. Ammonium salt reacts with sodium hydroxide
to evolve ammonia gas, which has a characteristic ammoniacal smell. Now, dip the glass rod in dilute hydrochloric acid and bring it to the mouth of the test tube. Ammonia gas reacts with vapors of hydrochloric acid to form white fumes of ammonium chloride. Next, we look at the confirmatory tests of ammonium ion. Nestler's reagent test. Materials required: original salt, concentrated sodium hydroxide, Nestler's reagent, test tube holder, spatula, droppers, and Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of salt in a test tube using a spatula. To this, add a small amount of concentrated sodium hydroxide solution using a dropper. Heat the test tube over the Bunsen burner. Ammonium salt reacts with sodium hydroxide to evolve ammonium gas, which has a characteristic ammoniacal smell. Cover the test tube containing salt with another test tube and collect the gas. Now, add a small volume of Nestler's reagent to the test tube filled with ammonium gas. Ammonia gas reacts with Nestler's reagent to form a brown precipitate. Precautions: acid with care because it is highly corrosive. Heating should be done very carefully. Okay, it's clear to you, bete. So आपने इवन ये लिखने belongs to zero group analysis कर रहे हो, okay? Something is missing. आपने start करना है practical लिखना from anion itself, that is carbonate from the dry heating. Now I'll show you the carbonate. ठीक है? तो आप compare करना दोनों को कि दोनों हमने फिर write down कैसे करने. Just wait. Carbonate is an inorganic salt characterized by the presence of the carbonate ion, in which the carbon atom is surrounded by three oxygen atoms in a triangular planar manner. Carbonate materials are found in sedimentary rocks. The most common is calcite, the main component of limestone. Our aim here is to test for the presence of carbonate ion in a given salt. Let's look at the preliminary tests for carbonate. Preliminary tests are physical examination of the salt, dry heating test, dilute sulfuric acid test. Physical examination of the salt. Observe the salt taken in the watch glass. It appears as a lightly fluffy powder, which indicates the presence of carbonate. Dry heating test. Materials required: original salt, test tubes, lime water, test tube holder, and a Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of the salt in a test tube and heat it over the Bunsen burner. On heating, carbonate undergoes decomposition to evolve colorless, odorless gas of carbon dioxide. Cover the test tube containing salt with an empty test tube and collect the gas. Now, pour lime water into the test tube filled with gas. The lime water, which is a dilute solution of calcium hydroxide, reacts with the carbon dioxide to form insoluble calcium carbonate, which turns lime water milky. Dilute sulfuric acid test. Materials required: original salt,
बेटे फ्रॉम दिस यू आर अवेयर अबाउट इट कि क्या आपने करना है. नाउ आई एम शोइंग यू अबाउट द लेड दैट बिलोंग्स टू Lead is a chemical element with symbol Pb. It is found in lead pencils and lead acid batteries. Lead is found in many salts like lead nitrate and lead acetate as lead 2 ion. In group 1, lead 2 ions are precipitated as the chlorides by adding dilute hydrochloric acid to their solutions. Our aim here is to test for the presence of group 1 lead ion in a given salt. First, we look at the preliminary tests of lead ion. Dry heating test. Materials required. Original salt. Test tube holder. And Bunsen burner. Procedure. Take a small quantity of salt in a test tube. Heat it over the Bunsen burner. The salt becomes brown when hot and yellow when cold, indicating the presence of lead ion. Charcoal cavity test. Materials required. Mixture of salt and sodium carbonate, charcoal piece, distilled water, dropper, tongs, blowpipe, and Bunsen burner. Procedure. Take a mixture of small quantity of salt and double its quantity of sodium carbonate in a wash glass. Take a charcoal piece with a small cavity in it. Using a spatula, take a small quantity of the mixture and place it in the cavity of the charcoal piece. Using a dropper, add few drops of distilled water to the mixture to moisten it. Using tongs, hold the charcoal piece in front of the reducing flame of the Bunsen burner. Now, direct the reducing flame on the cavity by means of the blowpipe and heat strongly for some time. A brown residue is obtained on heating and it becomes yellow on cooling, indicating the presence of lead 2 ion. Flame test. Materials required. Original salt, concentrated hydrochloric acid, dropper, glass rod, platinum wire loop, and Bunsen burner. Procedure. Take a small quantity of the salt in a wash glass. To this, add a few drops of concentrated hydrochloric acid using a dropper. Mix the content of the wash glass using a glass rod to make a paste. Take a small amount of the paste on the platinum wire loop and introduce it into the oxidizing flame of the Bunsen burner. Dull bluish white flame indicates the presence of lead 2 ion. Next, we look at the analysis of lead 2 ion present in group 1. Materials required. Salt solution in the test tube, dilute hydrochloric acid, distilled water, test tube holder, dropper, and Bunsen burner. Procedure. Take a small quantity of dilute hydrochloric acid using a dropper. Add it into the test tube containing a small volume of salt solution. Lead 2 ions in the salt solution react with dilute hydrochloric acid to form a white precipitate of lead chloride. Transfer the precipitate into a centrifuge tube to separate it by centrifugation. Now, add a small quantity of distilled water to the precipitate and boil it for some time. The precipitate dissolves. Finally, we look at the confirmatory tests of lead 2 ion. Cool the solution. Materials required. Solution obtained in the group analysis, test tube,
water in a beaker. Procedure. Take one part of the solution obtained in a group analysis in a test tube. Cool it by placing it in a beaker containing water. On cooling, lead chloride present in the solution undergoes crystallization to form white crystals. Potassium iodide test. Materials required. Solution obtained in a group analysis, potassium iodide, test tube, and dropper. Procedure. Take one part of the solution obtained in a group analysis in a test tube. To this, add a small quantity of potassium iodide solution using a dropper. Lead chloride present in the solution reacts with potassium iodide to form a yellow precipitate of lead iodide. Potassium chromate test. Materials required. Solution obtained in the group analysis, potassium chromate, test tube, and dropper. Procedure. Take one part of the solution obtained in the group analysis in a test tube. To this, add a small quantity of potassium chromate solution using a dropper. Lead chloride present in the solution reacts with potassium chromate to form a yellow precipitate of lead chromate. Precautions. Handle hydrochloric acid with proper care because it is highly hazardous. Heating should be done very carefully. Okay, bete, it's clear to you? Yes? Everyone, I need out from this.